हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज मैं आपको साइंस फिक्शन पर बनी टाइम ट्रैप मूवी एक्सप्लेन करूंगा जिसे आईएमडीबी पर 6.5 की रेटिंग है। इस फिल्म की शुरुआत की स्टोरी को देखने में ऐसा लगता है जैसे कि इसमें कोई साजिश का प्लॉट है, पर इंटरमिशन के ठीक बाद इसकी कहानी एकदम से बदल जाती है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि आगे क्या होने वाला है और इसीलिए ये आपको अंत तक मूवी में बनाए रखने में कामयाब होती है और इसका एंडिंग भी कुछ अलग और विचित्र निकलता है। एक छोटे बजट के लिए इस फिल्म की डायरेक्शन अच्छी रही है और इसमें सभी की एक्टिंग एक्सेप्शनल तो नहीं कह सकता पर ठीक ठाक है। मूवी की कहानी सरल है पर इसके कॉन्सेप्ट कब, क्यों और कैसे होते हैं वो समझने में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर इसे एक्सप्लेन करूंगा। फिल्म के डायरेक्टर है बेन फॉस्टर और मार्क डेनिस और इसमें लीडिंग रोल निभाया है एंड्री विल्सन एस हॉपर, रियली मैक्लेंडन एस टाइलर, ब्रियाना हाउवी एस जैकी, कैसिडी गेफोर्ड एस कैरा, ओलिविया ग्रैचुविश एस वीविस और मैक्स राइट एस फर्बी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हॉपर कैरेक्टर के बैकग्राउंड से। हॉपर प्रोफेशन से एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो काफी सालों से उन मिसिंग हिप्पीज के तलाश में होता है जो कुछ साल पहले फाउंटेन ऑफ यूथ के खोज में निकले थे और वही टाइलर और जैकी उसके इस खोज में असिस्टेंट्स होते हैं। तो चलिए चलते अब मूवी के प्लॉट की तरफ। मूवी शुरू होती है हॉपर से जो 1970s के दौरान लापता हिप्पीज जो फाउंटेन ऑफ यूथ के खोज में निकले थे उनके बारे में शोध करने के लिए दूर किसी जंगल आता है। वहाँ उसे पुरानी हिप्पीज के वैन के अलावा एक जर्नल मिलती है जिसमें एक पिक्चर, किसी तरह का नक्शा, कुछ अजीब डरावने चित्र और फिर नजदीक एक खाई दिखाई पड़ता है। पर फिर उसका कुत्ता अजीब कारण से भौंकने लगता है और हॉपर की नजर दूर स्थित गुफा में पड़ती है। कुत्ता उसे वार्न करता रहता है पर हॉपर इग्नोर करके गुफा में चेक करने बढ़ता है, पर वहाँ उसे एक काउबॉय के पोशाक में पुराने बंदूक और लैंटर्न के साथ एक इंसान दिखाई देता है जो किसी कारण से जरा भी हिलता नहीं। कुछ गड़बड़ होने का समझकर वो तुरंत रिटर्न घर जाता है एक्सपेडिशन गेयर्स कलेक्ट करने के लिए। घर पर उसका असिस्टेंट टाइलर बहुत विनती करता है उसके साथ खोज में चलने का पर वो साफ मना कर देता है। फिर अगले दिन हॉपर एक्सपेडिशन गेयर लेकर पहले उसी वैन के नजदीक के खाई में रस्सी डालता है ताकि यदि उस गुफा में वो गुम हो जाए तो शायद से वो यहाँ से बाहर निकल सकता है एज पार्ट ऑफ प्लान बी। फिर वो उसी गुफा में एंटर करता है और सरप्राइजिंग तरीके से वो बंदा अब भी वहीं खड़ा दिखाई देता है। जैसे ही वो उस बंदे के नजदीक पहुंचने की कोशिश करता है हवा में उसे अजीब तरीके से थिक मॉइस्चर का इनविजिबल दीवार सा महसूस होता है, जबकि इस पूरे रेगिस्तान में मॉइस्चर तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि यहां दूर तक कोई पानी नहीं है। इसका सीक्रेट मूवी के मेन प्लॉट में समझेगा। जैसे जैसे वो उस इंसान के नजदीक जाता है उसकी गति बढ़ने लगती है और फिर अचानक से वो चलने लगता है। और हॉपर एक और चीज नोट करता है कि गुफा के एंट्रेंस में रोशनी अजीब तरीके से तेजी से धीमी और तेज जलने लगती है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब दो दिन बीत चुके होते हैं, चिंतित टेलर और जैकी उसकी तलाश करने का तय करते हैं, पर दोनों के पास कार ना होने के कारण जैकी के रिक्वेस्ट पर टेलर अपने क्रश कैरा से मदद लेता है जिसके पास माउंटेनियन ट्रक होता है और जिसे खुद भी ऐसे ही एक्सपेडिशन पे जाना होता है। पर क्योंकि उस दिन कैरा को अपने सिस्टर विविस और उसके फ्रेंड फॉबी को प्रोजेक्ट ट्रिप पर ले जाना होता है वो उन्हें भी अपने साथ ले चलती है, पर उन्होंने किसी को भी नहीं बताया होता है कि वो एग्जैक्टली हॉपर के खोज में किसी दूर दराज गुफा जा रहे हैं। वैन में रखे पिक्चर के पीछे नाम को देखने के बाद टेलर को पता चलता है कि हॉपर सिर्फ किसी अनजान हिप्पीज के खोज में नहीं था बल्कि उसकी खुद की फैमिली वहाँ गुम हुई थी, इसीलिए इस खोज के पीछे उस पर इतना जुनून सवार था। ये पता होने पर भी कि यहाँ कितने ही लोग गायब हुए हैं उनकी दिमाग की बत्ती नहीं जलती और वो अपनी तलाश जारी रखते हैं, जिससे वो चौंकाने वाली खोज करते हैं जिससे आगे उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली होती है। यहाँ ग्रुप का ध्यान हॉपर के गुफा पर नहीं बल्कि एक रस्सी पर पड़ती है जो नजदीक के एक गुफा में जाता है। टाइलर समझ जाता है कि ये रस्सी हॉपर का नहीं हो सकता क्योंकि वो काफी पुरानी दिखती है। कुछ दूर अंदर जाने पर रस्सी एक गहरे खाई की तरफ कट जाती है। हॉपर की तलाश में सभी डिसाइड करते हैं नीचे जाने का, पर फर्बी गुफा के डर के कारण ऊपर रहने का तय करता है बैकअप के लिए। विविस पहले जैकी के साथ नीचे उतरती है, कैरा उसके सलामती के लिए उसे पुकारती है पर दोनों का कोई जवाब नहीं आता। फिर उतरते वक्त उन्हें भी हॉपर की तरह हवा में ठीक मॉइस्चर सा इनविजिबल दीवार महसूस होता है। सभी के नीचे उतरने पर कैरा विविस पर बिगड़ती है क्योंकि उसने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया, पर वो बताती है कि उसने कभी उसकी कोई पुकार ही नहीं सुनी। ऑल्दो खाई इतनी भी गहरी नहीं होती, अजीब कारण से विविस कैरे की आवाज को सुन नहीं पाती जो हमें आगे समझेगा कि आखिर क्यों। अब दूसरे सीन में हॉपर को अचानक से किसी के चिल्लाने और गन शॉट का आवाज सुनाई पड़ता है और डर के मारे वो सीधा गुफा के बाहर भागता है, पर अब यहाँ उसे बड़ा झटका लगता है। बाहर रात हो चुकी होती है जबकि उसे अंदर गए कुछ ही मिनट्स हुए थे और आश्चर्य तरीके से उसे अपनी ट्रक घने झाड़ियों से घिरी मिलती है और
गाड़ी शुरू करने की कोशिश में शुरू भी नहीं हो पाती। फिर उसे टायलर की भी वैन दिखाई देती है जो खुद भी वैसे ही झाड़ियों से घिरी होती है। फिर अंदर उसे जैकी का बैग मिलता है पर उन्हें उनका कोई अता पता नहीं दिखता। उसे लगता है कि शायद से ये सब उसके दिमाग का वहम है और फिर और कोई चारा ना होने पर वो फिर से गुफा में जाता है और रोशनी के लिए इस बार टॉर्च स्टिक्स अपने रास्ते में डालता रहता है, पर उसमें से एक स्टिक अद्भुत तरीके से हवा में तैरने लगता है और जैसे ही वो उसे छूने बढ़ता है वो फिर से नीचे गिर जाती है और ये सीन यही कट हो जाती है। वहीं सभी फाइनली गुफा में उतर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कैरा और जैकी को हॉपर की तरह एक लड़की के रोने की चीख सुनाई देती है और सभी पूरी तरह से डर जाते हैं और गुफा को छोड़ने का तय करते हैं। पर जब जैकी पहले रस्सी से क्लाइंब करने की कोशिश करती है रहस्यमय तरीके से वो टूट जाती है। रस्सी की जांच करने पर वो ऐसी भी दिखाई नहीं देती जैसे उसे जानबूझकर किसी ने काटा होगा, पर वो विचित्र तरीके से ऐसे दिखाई पड़ती है जैसे वो पुराना हो गया और इसी कारण से वो टूट गया। उन्हें लगता है कि फर्बी उनके साथ कोई मजाक कर रहा है और इसीलिए उन्हें रेडियो करते हैं, पर इसके विपरीत फर्बी रेडियो पर उनकी मदद के लिए पुकारता है जिसे सुनकर उनकी डर के मारे जान जाने लगती है। और कोई रास्ता ना दिखने पर एग्जिट के खोज में उन्हें आगे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है जहां उन्हें हॉपर की तरह रोशनी अजीब तरीके से तेजी से धीमी और तेज जलती दिखाई देती है। उन्हें और धक्का लगता है जब उन्हें नजदीक फर्बी की लाश मिलती है। आखिर फर्बी जिसे गुफा से बहुत डर लगता है नीचे आने की कोशिश क्यों कर रहा था, ये जानने के लिए कि शायद से उन्हें कोई क्लू मिले उसकी रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि फर्बी के रिकॉर्डिंग के अनुसार कई दिन बीत चुके होते हैं जब से वो गए हैं। आखिर में भूखा प्यासा फर्बी डिसाइड करता है खुद से उन्हें ढूंढने का। तभी उसे वो खाई मिलती है जहां हॉपर ने प्लान बी के मुताबिक रस्सी छोड़ी थी, पर वहां से उतरते दौरान उसे भी रोशनी जलती और बुझती दिखाई देती है और फिर कैरा के तरह उसकी भी रस्सी अचानक तरीके से टूट जाती है और वो सीधे नीचे गिर जाता है, पर उसका कैमरा सही सलामत होता है। फिर आगे की वीडियो को देखकर टायलर को समझ आता है कि जब उसने फर्बी को कॉल किया था तब वो यहीं घायल पड़ा था और उसे हेल्प के लिए पुकार रहा था, पर वीडियो के एंड में उन्हें सबसे बड़ा झटका लगता है। कोई अजीब इंसान अजीब बोली बोलने वाला फर्बी के रेडियो के आवाज से सचेत हो जाता है और फिर फर्बी को बेरहमी से मार देता है, यानी कि उनके अलावा और भी कोई इस गुफा में है। फर्बी के वीडियो से टेलर को एक और बात समझती है जो वो निश्चित होने पर सभी को बाद में रिवील करता है जो हमें आगे समझेगा। उसी वीडियो में हॉपर के उस रस्सी और गाड़ी के अलावा फर्बी को उसके डैड की एक जर्नल मिलती है जिसमें फाउंटेन ऑफ यूथ के पौराणिक कथा के खोज के बारे में लिखा होता है। पौराणिक कथा के अनुसार फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी किसी भी घाव या मरे हुए को जिंदा कर सकता है, इसीलिए इसके खोज में कई साल पहले स्पेनिश की रानी ने अपने लड़ाकों को भेजा था वो पानी लाने के लिए ताकि वो अपने बीमार पति को ठीक कर सके, पर वो भी हिप्पीज के तरह कभी लौटे नहीं। इसके अलावा हॉपर के डैड इस खोज में इसलिए निकले थे क्योंकि उनकी बेटी यानी कि हॉपर की बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अब सभी करे तो क्या करे, एक आखिरी रास्ता के अनुसार कैरा उस खाई को हाथों से चढ़ाई करती है, पर फिर उसे भी हॉपर की तरह कुछ अलग ही दुनिया दिखाई देती है। बाहर पूरी जगह बंजर हो चुकी होती है और डस्ट और स्टॉर्म उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऊपर से सांस लेने में मुश्किल होता है, दूर तक उसे कोई लाइफ नहीं दिखाई देती और सैटेलाइट का सिग्नल भी नहीं मिलता, पर तभी उसे आसमान में एक विचित्र तरह का स्पेसशिप दिखाई पड़ता है जिसे देखकर डर के मारे वो रिटर्न नीचे उतर जाती है। उसके दोस्तों को गुस्सा आ जाता है कि वो कुछ ही सेकंड्स में रिटर्न आ गई जबकि रियलिटी में वो काफी देर तक बाहर थी, और तभी टायलर अपने ऑब्जर्व थ्योरी को कंफर्म करने के लिए उसकी वीडियो देखता है और अब मूवी का रहस्य रिवील होता है। दरअसल समय रहस्यमय तरीके से गुफा में बहुत धीमे चलती है, लगभग हर मिनट गुफा के अंदर 15 साल के करीब बाहर होती है। यही कारण है कि जब हॉपर बाहर से उस अनजान इंसान को देखता है वो दरअसल गुफा के समय के अनुसार बहुत धीमे चल रहा होता है, और जैसे ही हॉपर उसके करीब पहुंचता है हॉपर तब तक गुफा के अंदर आ चुका होता है, यानी कि अब उसका और उस इंसान का समय एक समान होता है और इसी कारण से वो इंसान आगे निकल जाता है। इसी कारण से जब हॉपर डर के मारे कुछ मिनट बाद गुफा से बाहर आता है तब तक कई साल बीत चुके होते हैं, और वहीं वो लाइट हवा में इसलिए तैरती दिखाई पड़ती है क्योंकि वो बहुत धीमे गति में नीचे की तरफ गिर रहा होता है। जैसे ही हॉपर गुफा के अंदर प्रवेश करता है दोनों की गति गुफा के अनुसार एक समान होती है और वो लाइट स्टिक नीचे गिर पड़ती है। यही कारण है कि जब कैरा नीचे आते वक्त वीविस को पुकारती है उसकी आवाज वीविस के समय के अनुसार तब तक उसके तक नहीं पहुंची होती है, और रस्सी दरअसल कोई काटता नहीं बल्कि कई साल बीत जाने के कारण वो कमजोर पड़ जाता है और सडन जोर देने की वजह से वो टूट जाती है। हॉपर खुद गुफा के समय के रहस्य को नहीं समझ पाता क्योंकि वो सूरज को सीधे ढलते या उभरते नहीं देख पा रहा था, उसे सिर्फ रोशनी दिखाई देती है। वहीं टायलर के लिए सूरज ढलते और
उभरते सीधे ऊपर दिखाई देती है और कैरा और फर्बी के वीडियो से वो और भी कंफर्म हो जाता है। वो इनविजिबल मॉइस्चर की दीवार एक तरह से बाहर की दुनिया और गुफा के समय को अलग करने वाली वॉर्म होल होती है, पर कुछ रहस्य जैसे वो स्पेसशिप और अजीब इंसान जिसने फर्बी को मारा, इसका खुलासा आगे होगा। उनकी तकलीफें कम नहीं थी कि किसी तरह का एलियन लैडर से नीचे आता है, जिस पर अचानक से वही विचित्र इंसान जो कि एक्चुअली में नियंदथल यानी कि जंगली इंसान निकलते हैं, उस पर हमला करता है। टाइलर और सभी डर के मारे भागने लगते हैं और आगे उन्हें और भी जंगली इंसान के अलावा हॉपर के माता पिता की लाश मिलती है, जिन्हें जंगली आदमी ने कुछ ही देर पहले मारा होता है। क्योंकि ऑल्दो उन्हें गायब हुए गुफा से बाहर कई साल हुए, गुफा के अंदर उन्हें सिर्फ कुछ समय ही हुए थे। टाइलर फिर जंगली आदमियों से सभी की रक्षा करते हुए खुद मारा जाता है। वहीं फिर वो एलियन नजदीक के झील से किसी सैंपल ट्यूब में पानी लेकर निकलने लगता है, पर कैरा को टाइलर के लिए रोते देख कैरा के लाख कोशिश के बावजूद वो टाइलर को उसी झील में डुबाने की कोशिश करता है। पर बाद में कैरा को समझ आता है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो पानी उसी फाउंटेन ऑफ यूथ का है, जिससे कुछ ही सेकंड्स में टाइलर को होश आ जाता है और उसके सारे घाव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इससे अब समझ आता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ का रहस्य सच में है। पर तब तक दूसरे जंगली लोग उस एलियन को घायल करके उसका हेलमेट निकाल देते हैं और हमें अब पता चलता है कि वो एलियन नहीं बल्कि उनकी तरह एक इंसान है, पर वो काफी साल आगे के समय से आया है, जब इंसान एवोल्यूशन के कारण अब काफी लंबा है और अब धरती के वातावरण में सांस नहीं ले सकता और उनकी बोली भी अब अजीब है। कैरा के पूछने पर कि वो कौन से ईयर से है, अपने एक डिवाइस से कैरा का फेस स्कैन करके उसके रिलेटेड एक वीडियो दिखाता है, जब कैरा और विविस की गायब होने की खबर न्यूज में आई थी। इसके अलावा वो ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी देता है कि धरती अब रहने लायक नहीं है, इसीलिए इंसान कई साल पहले धरती को छोड़कर एक स्पेसशिप में रहते, जिसे वो आर्क कहते हैं और जिसे कुछ देर पहले कैरा ने आसमान में देखा था और वो भी किसी के लिए वो पानी लेने आया था, पर फिर वो अंत में गुजर जाता है। सभी इस शॉक में कि अब वो करे तो क्या, क्योंकि धरती अब रहने लायक नहीं रही और अगर वो इस गुफा में रहेंगे तो शायद से वो भी इनकी तरह जंगली बनकर रह जाएंगे। सभी फिर डिसाइड करते हैं बाहर निकलने का और वहीं टाइलर को हॉपर का बैग मिलता है। टाइलर पहले हॉपर को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और बाकी बाहर निकलने के लिए बढ़ते हैं। गुफा में कुछ दूर जाने पर उसे दीवार पर कुछ अजीब नकाशी के अलावा टाइलर को फाइनली हॉपर मिलते हैं, जो जंगली लोगों से फाइट के कारण बुरी तरह से घायल होते हैं। पर अब मूवी का एक और फाइनल प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि टाइलर को आगे वही फाउंटेन ऑफ यूथ मिलता है, जिसमें कई लोग जैसे कुछ जंगली इंसान, स्पेनिश के वही लड़ाकू जिन्हें क्वीन ने एक समय भेजा था और कुछ सैनिक के अलावा हॉपर की सिस्टर भी ट्रैप दिखाई देती है, क्योंकि फाउंटेन के करीब का एरिया और भी धीमी गति से चलता है, इसीलिए हॉपर की सिस्टर अब भी उतने ही उम्र की दिखाई देती है। जितने लोग भी उस फाउंटेन ऑफ यूथ के तलाश में निकले थे वो सभी यहाँ फंसे होते हैं। हॉपर की सिस्टर भी जंगली लोगों से बचने के लिए शायद से यहाँ गलती से अटक गई। फाउंटेन के करीब देखा जा सकता है कि वही स्पेनिश लड़ाकू उन्हीं जंगली इंसान से उस पानी के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि सच में फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी में क्योर करने के अलावा समय को धीमे करने की चमत्कारी शक्ति है। इसी कारण से जो मॉइस्चर सभी को महसूस होता है वो इसी फाउंटेन के पानी से बनता है। जहाँ तक ये पानी महसूस होता है वहाँ समय धीमे हो जाता है और आप फाउंटेन के करीब जितने भी होंगे उतना ही धीमे समय होता चल जाएगा। टाइलर कोशिश करता है हॉपर की सिस्टर को निकालने की, पर समय रहते हॉपर उसे रोक लेता है, क्योंकि वहाँ एक बार गए तो कभी लौटकर नहीं आएंगे, बाकी की तरह फंस जाएंगे। वहीं मरे हुए जंगली लोगों को एक जंगली बच्ची उसे पानी से जिंदा कर रही होती है, यानी कि उनके पास यहाँ से बचकर निकलने की ज्यादा समय नहीं है। हॉपर के रिक्वेस्ट पर टाइलर उन्हें वहीं छोड़कर बाकी सभी के साथ गुफा से भागने की कोशिश करता है, पर अब गुफा के बाहर की सतह पर पानी आ जाता है। उसके बावजूद कैरा आगे बढ़ती है, पर फिर अचानक से उसे एलियन जैसा हाथ पानी से अपने तरफ आते दिखता है। वहीं जंगली लोगों को इलेक्ट्रिकल लैडर को ऑफ करने का समझ में आ जाता है। जैसे ही एलियन कैरा को अपने तरफ खींच लेते हैं वैसे ही जंगली लोग लैडर को बंद कर देते हैं और फिर बाकी सभी गिरने लगते हैं। कैरा खुद को एलियन से बचाने की कोशिश करती है, पर फिर उसे समझता है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मूवी का सीन गुफा के बाहर के कंपैरिजन में दिखाया है, जहां गुफा के अंदर समय के अंतर होने के कारण टाइलर और सभी धीमे गति में गिरते दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हॉपर गुफा से बाहर उस काउबॉय को देखता है। इससे पहले कि सभी जंगली लोगों के हाथ आए, अचानक से कैरा आ जाती है और कुछ केबल्स की मदद से उन्हें खींच लेती है, यहाँ तक कि हॉपर और उसकी फैमिली के अलावा उसके सिस्टर को भी। और फिर थोड़ी देर बाद फर्बी, हॉपर और उसकी पूरी फैमिली को होश आ जाता है, जहाँ अब उसकी उम्र उनके पेरेंट्स से भी ज्यादा होती है। सभी खुद को एलियन से घिरे उसी स्पेसशिप आर्क में पाते हैं, जो धरती जैसी प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा होता है। हॉपर और सभी शॉक में फिर टाइलर उन्हें समझाता है कि उनके पास बहुत समय है उन्हें समझाने के लिए, और फिर एक स्टेटमेंट के साथ मूवी खत्म हो जाती है।
एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? आखिर वो एलियंस कहाँ से आए? और क्योंकि उस गुफा के अंदर हर सेकंड 15 साल के बराबर होता है, कैरा कुछ समय बाद जब उन्हें बचाने आती उतने ही उम्र की कैसे दिखती है? फर्बी, हॉपर और उसकी फैमिली जिंदा कैसे, क्योंकि उन्होंने तो वो पानी कभी पिया भी नहीं था। और एक और सबसे बड़ा रहस्य, अगर गुफा के बाहर के लोगों के लिए गुफा के अंदर का समय धीमे होता है पर फिर भी आप गुफा से अंदर बाहर कर सकते हो, तो उस फाउंटेन के करीब के लोग बाहर कैसे नहीं आते? चलो थोड़ी देर के लिए ये मान लेते कि आप फाउंटेन के करीब के एरिया से बाहर नहीं निकल सकते, तो उन केबल से उसकी सिस्टर को कैसे निकाला गया? वेल, मैं कोशिश करता हूँ इन्हें एक्सप्लेन करने में। पहले तो वो एलियंस दिखने वाले एलियंस नहीं है बल्कि इंसान है जो अरबों साल के एवोल्यूशन और धरती के बाहर के वातावरण में बदल गए, यानी कि इंसान इस समय एलियंस की तरह दिखाई देते हैं। फर्बी, हॉपर और उसकी फैमिली इसलिए जिंदा हो गई क्योंकि मेरे ख्याल से मूवी ये दिखाना चाहता है कि अब इंसान का टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गया है कि वो मरे हुए को भी बिना उस पानी के जिंदा कर सकते हैं। और कैरा जब रिटर्न आती है उन्हें बचाने, वो तभी इसलिए यंग दिखती है क्योंकि उसने उस झील का पानी पिया था, यानी कि फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी ना केवल घाव को क्योर कर सकता है, वो उसके कांटेक्ट में आए हर एक चीज के गति को बहुत धीमे कर देता है। जितने नजदीक से उस पानी से आपका कांटेक्ट हुआ उतने ही धीमे आप एज होने लगते हो, इसलिए वो गुफा भी इतने सालों से मजबूत टिका रहा। इसीलिए रियलिटी में वो कुछ साल बाद अपने साथियों को बचाने के लिए आती है जबकि टाइलर की दुनिया में सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स बीते होते हैं। ठीक वैसे ही जब हॉपर कई साल पहले एंटर्ड काउबॉय को उस गुफा में देखता है। अब आखिरी सवाल कि वो लोग कैसे फाउंटेन के करीब फंसे होते हैं, क्योंकि समय सिर्फ बाहर के लिए धीमे होता है, उसके अंदर तो गति साधारण होनी चाहिए। ठीक जैसे गुफा के बाहर से गुफा के अंदर का समय धीमे दिखाई देता है, वहीं अंदर आने पर साधारण गति होती है और आप गुफा से अंदर और बाहर आराम से जा सकते हो, तो फिर वहां फंसे लोग बाहर कैसे नहीं आते? मेरे ख्याल से ये मूवी का सबसे बड़ा लूप होल है। चलो मूवी के अनुसार ये मान भी लिया कि आप बाहर निकल नहीं सकते, तो फिर उन केबल्स ने उसके सिस्टर को कैसे बाहर निकाला? क्योंकि वो फाउंटेन हर एक चीज की गति को धीमे कर देता है, इसीलिए आप गोलियों को भी देख सकते हो धीमे फायर होते हुए। वेल, इसका जवाब मूवी में कहीं पे भी नहीं दिया है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद से अब इंसान टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया है कि वो मरे हुए को जिंदा करने के अलावा समय को भी मोड़ सकता है, जो कि मुझे थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। पर अगर आपको इसके बारे में कुछ समझा होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं मूवी के आखिर में बचे हुए लोगों के लिए अब ये मतलब निकलता है कि इन्हें अब सबसे इवॉल्व्ड एलियन जैसे ह्यूमंस के साथ रहना है। वो लोग अब एक तरह से आज के ह्यूमंस के लिए नियंदरथल, यानी कि एक तरह से जंगली इंसान है। इस मूवी की एनालिसिस करते वक्त मैंने कहीं तो पढ़ा है कि शायद से इसका पार्ट 2 भी बनेगा, तो हम होप कर सकते हैं कि जितने भी सवाल या लूप होल इस मूवी में रहे वो शायद से पार्ट 2 में क्लियर हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अब भी मूवी से रिलेटेड कोई सवाल या एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट और लाइक करना ना भूलें। आपके कमेंट और लाइक से ही मेरी वीडियो चल पाएगी और सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सपोर्ट दिखाना ना भूलें। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।